अरे बस है भैया, मैं अपना काम कर सर। अभी एक मुकदमे सुनवाई हुई है सर, क्या मुकदमा था, कब से चला हुआ? ये बहुत पुराना मुकदमा था, ओल्डेस्ट केस में था, और जज साहब ने प्रायोरिटी पे लेके इसको किया है। ये सन 2007 में घटना हुई थी ग्राम भाजू में, थाना भोरा कला के अंतर्गत, और इसमें ट्रिपल मर्डर था एक, जिसमें ग्राम प्रधान उस वक्त की मौजूदा सुखबीरी और उसका बेटा धर्मेंद्र और उसका नौकर रमेश, तीनों को जो है गोली लगी थी, और गोली लगते ही उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी अपने घेर में बैठे हुए। उसके बाद से इसमें जो है कुछ मुलजिम जो थे 5-6 वो लगातार जेल में थे और 12 साल से लगातार जेल में है, और इसमें 5 लोगों को सजा हुई है। कुल मिला के इसमें 11 मुलजिम थे, 11 में से एक की पहले डेथ हो चुकी। 5 लोगों को साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया, और इसमें जो है आज माननीय न्यायालय ने इन लोगों को सजा सुनाई आजीवन कारावास की, 5 लोगों को। सर क्या का नाम है उनके? जिनमें संजू, रविंदर, अनुज, विजेंदर और नीटू हैं। सर जुर्माना भी है? हाँ, इन पर जुर्माना किया गया है 302 के अंतर्गत 1,00,000 रुपये जुर्माना, 307 के अंतर्गत 5,000, और 452 के अंतर्गत 5,000 रुपये जुर्माना और प्रत्येक पर, और इसमें जो है 148 में 3 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना, और 307 में 7 साल की सज़ा और 452 में 7 साल की सज़ा, हर एक को अलग अलग। और इसमें एक और माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है कि जो पीड़ित है उसको 3,50,000 रुपये इनमें से उसको दिया जाएगा। तो कितने टाइम से केस चल रहा है ये? 2007 से चल रहा है, 2007 से आज लगभग कितने से 12 साल के लगभग हो गया चलते हुए। ठीक है, थैंक यू।